छत्तीसगढ़ के बारूद जिला के दल्ली राजहरा नहर पालिका में यहां हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शहीद वीर नारायण सिंह चौक में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया है। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष दिबांगन ने बताया कि दल्ली राजहरा को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में लोह खनिज संपदा से परिपूर्ण होने की वजह से जाना जाता है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार तेजी से किया जा रहा है। नगर पालिका भ्रष्टाचार में इस कदर डूबा है कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आ रही, और इनका सबसे बड़ा उदाहरण वार्ड नंबर 10 में देखने को मिलेगा। पालिका में बैठे जिम्मेदार लोग अपनी ही जेब भरकर विकास का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आरसीसी नाली का निर्माण होना था, जो सेम टेंडर था, उस एरिया का रोड बहुत जर्जर है। नाली नहीं होने के कारण ही पानी जो है, बरसात का पानी बीचों बीच रोड में रह जाता है, बह जाता है, इसलिए रोड खराब होता है। लेकिन स्थिति ये बनी, वहां पे बीती रोड को काम हुआ 86 लाख कुछ रुपए का, लेकिन महज 4 महीने में ही खराब हो गई, जर्जर हो गया, वही व्यवस्था में आ गई। दूसरी वार्ड पार्षद नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष दांगन का वार्ड का निवासी हूं मैं। ये जो संतोष दांगन को बार बार बोल रहे हैं कि तेरे वार्ड में काम नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, तेरे जो करना कर ले, नगर पालिका में जो झाड़ू सफाई कर्मी आते हैं उनको ये बोला जाता है कि इस वार्ड में तुमको झाड़ू नहीं लगाना है। संतोष जो आंगन जो उपाध्यक्ष है, उनके घर के सामने नाली इतना टूटा हो गया है, वो अभी तक नाली नहीं बना है। कम से कम लगभग 3 साल बीतते जा रहे हैं, वार्ड में नाली है, सीसी रोड है, कई प्रकार के ऐसे काम है।